ये 2 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी लड़की की लाश होटल सिटी पॉइंट जो कि बस स्टैंड के पास है वहाँ है। इसी सूचना पे पुलिस वहाँ पहुँची और जब वहाँ पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत और उसके दोस्त जो कर्मचारी या साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे हेमराज और प्रकाश इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कब ये यहाँ पे पहुँचे थे, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, किसने पुलिस को जानकारी दी थी होटल में लाश? होटल में जानकारी जो होटल पे लीज पे दिया हुआ है ये होटल तो वहाँ जो लीज होल्डर है उनके उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी और ये जो अभियुक्त की जो प्राथमिक पूछताछ है जो अभिजीत है उसने बताया है कि करीब शाम को 5 बजे एक अल्टरकेशन के बाद उसने जो दिव्या पहचान जो मृतका की पहचान दिव्या के रूप में हुई है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कितनी गोलियां मारी गई सर उसको? एक गोली। कारण क्या था इसके पीछे? जो अभी तक की पूछताछ में जो डिस्क्लोज हुआ है पता चला है उसके अनुसार ये अभिजीत और जो दिव्या है पिछले करीब 2.5-3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे और वो एक तरीके से रिलेशनशिप में आ गए और इसी दौरान दिव्या ने पता चला है कि कुछ कैमरे शूट आउट किए वीडियो शूट आउट किए कैमरे की सहायता से और उसके बाद हालांकि इन चीज़ों की पुष्टि अभी 5 दिन का रिमांड लिया गया है उस दौरान की जाएगी और उसकी तकमील तफ्तीश जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद रियल हालातों का पता लगेगा। सर हत्या रूपी कौन है, कहां का रहने वाला है, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई सर? हत्या आरोपी पीछे से हिसार का रहने वाला है, मॉडल टाउन हिसार में रहता है और इसका साउथ एक्स दिल्ली में भी मकान है जो उसकी माँ और चाचा के नाम है और होटल बेसिकली क्योंकि होटल में ही वो मिल गया तो वहीं से गिरफ्तारी हुई। क्या डेड बॉडी कवर हो गई सर? थोड़ा ही बता दीजिए सर, अभी घटना कैसे कैसे लेके आया, कैसे अंजाम दिया, डेड बॉडी के बारे में क्योंकि कैमरों से ये एस्टेब्लिश हो गया है कि डेड बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए BMW गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अभी करीब आधे घंटे पहले जो BMW गाड़ी है वो पटियाला बस स्टैंड पे डिटेक्ट हो गई है, हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गाड़ी खुल जाए, लॉक्ड है वो और देखते हैं कि आगे क्या हालात बने। कौन गाड़ी को वहाँ तक लेके गया सर? कौन ये बलराज नाम का व्यक्ति है जो बेसिकली मोहाली का रहने वाला है, बलराज गिल, वो गाड़ी को लेके गया है और उसका एक साथी और जो जिसका नाम रवि है, रवि बांगा, जो वो भी हिसार से रहने वाले हैं, वो दोनों इस गाड़ी को लेके पंजाब तक गए हैं। सर ये दोनों मिले हैं, डिटेल नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी तक हमारी टीम है वो पंजाब में मौजूद है और प्रयास किए जा रहे हैं जल्दी उनको पकड़ेंगे। अभिजीत और दिव्या की आपस में जो कनेक्शन बना वो कैसे बना, कैसे एक दूसरे से पहचान हुई और दिव्या की बैक हिस्ट्री क्या है? जो अभिजीत है बेसिकली ये बिंदर गुजर जो एक बदमाश है, गैंगस्टर है, उसके टच में रहा है करीब पिछले 15 सालों से ऑफ एंड ऑन और जब ये दिव्या जो कि संदीप गाड़ोली जो एक और गैंगस्टर है जिसका कि एनकाउंटर हुआ था मुंबई में तो उस केस को अंजाम देने में उसकी भूमिका रही थी और उस केस में वो अक्यूज्ड भी है। पीछे 25 जुलाई 2023 को वो बेल पे रिलीज हुई है और उसके आने के बाद उसी ने बिंदर गुजर से अभिजीत की बात कराई और उसके बाद ये टच में आया। आप मान रहे हैं कि जो बिंदर गुजर पर आरोप लगे थे कि उसने एनकाउंटर करवाया है गुरुग्राम पुलिस के जरिए, तो आप जब कह रहे हैं कि उसकी भूमिका थी दिव्या पाहुजा की, तो क्या आप मान रहे हैं कि उसने टिप दी थी गुरुग्राम पुलिस को? चीजें मानने से नहीं होती है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और शायद इसीलिए वो जेल में है।